everybody, how are you guys doing? I'm Sonam and welcome back to my channel. तो आज actually मैं एक book पढ़ रही थी. इसका नाम है Smoke and Mirrors, an experience of China. इसको लिखा है पल्लवी अय्यर ने. तो I couldn't stop myself from bringing this up क्योंकि मैंने काफी relate किया इनके एक line से. तो अच्छा बात यहाँ से, पहले मैं पल्लवी अय्यर के बारे में कुछ बता दूँ. पल्लवी अय्यर एक Oxford graduate journalist हैं जो इनकी शादी हुई है एक Spanish diplomat के साथ. तो वो जैसे यू नो कि जो डिप्लोमैट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग्स बदलती रहती हैं. वो कभी किस कंट्री में रहते हैं, कभी किस कंट्री में. तो ये क्योंकि उनकी वाइफ है तो उनको उनके साथ जाती हैं. तो 5 साल तक कभी वो मतलब इंडोनेशिया में रही, 5 साल तक वो चाइना में रही उनके साथ, तो 5 साल तक वो जापान में रही. तो मैं इंट्रोड्यूस हुई थी इनसे जब उन्होंने, तो जिस भी कंट्री में वो रहती हैं 5 साल तक, जब वो एंड में जाते हुए किताब लिखती हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में. क्योंकि बीइंग अ वाइफ ऑफ डिप्लोमैट उनको ऐसे ऐसे एक्सेस होते हैं. वो खुद एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, लाइक ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएटेड जर्नलिस्ट हैं और इंडिया के न्यूज़पेपर्स के लिए काम करती हैं. तो उनको ऐसे ऐसे मतलब पॉलिटिकल सिनेरियोज में, इवेंट्स में जाने का मौका मिलता है या ऐसी लाइफ देखने का मौका मिलता है जो शायद नॉर्मल लोग इतना नहीं देख पाते. तो वो बहुत डिटेल से उसके बारे में लिखती हैं. तो जब मुझे जापान आना था तो मैंने उनकी एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, जिससे मुझे बहुत इंसाइट्स मिले थे. कि मुझे बस इतना नहीं जानना था कि जापान सुशी के लिए फेमस है या एनिमे के लिए. आई वॉन्टेड टू नो मोर कि पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, या फिर मतलब सुपर टूरिस्टी साइट्स की बजाय भी, लाइक मुझे टोक्यो टावर या फिर सेंसोजी श्राइन नहीं जाना. आई वॉन्ट टू नो मोर. तो उन्होंने यासुकुनी श्राइन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल श्राइन. टोक्यो में एक श्राइन है यासुकुनी श्राइन. बोला जाता है कि वहां पे जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान विजिट करते हैं तो कोरिया और चाइना की तरफ से काफी बैकलैश आता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोलते हैं कि वहां पे वॉर क्रिमिनल्स दफन है. वो एक ऐसी, मैं खुद विजिट किया था मैंने उस श्राइन में, तो एक बड़ी बहुत बड़ी श्राइन है जहाँ पे कब्रें ही कब्रें हैं, लाइक लैक्स लैक्स ऑफ पीपल वहाँ पे दफन है. और बोलते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जो जापानीज लोग शहीद हुए थे वो, बल्कि वो लोग भी जिन्होंने जब कोरिया और चाइना पे अटैक किया था जब जापान ने, तो वो जो बुरे वाले सोल्जर्स थे जो वॉर क्रिमिनल्स एंड में डिक्लेयर भी हो गए थे, वो वाले लोग भी वहाँ पे दफन है. तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान वहाँ पे जाते हैं तो इसका मतलब वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो खुश हैं कि हाँ कि हम लोगों ने जापान ने कोरिया और चाइना पे अटैक किया था. तो ये वन ऑफ द रीजंस भी है कि मतलब जापान चाइना और कोरिया के अंदर ऐसे थोड़ा झगड़ा झगड़ा चलता रहता है. तो वो श्राइन उसका वन ऑफ द मेन रीजंस माना जाता है, स्पेशली विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम. पर लोकल लोगों के लिए इट्स ऑलवेज ओपन. वेरी डार्क एनर्जी दैट श्राइन हैड. क्योंकि लाइक मैं मेजी श्राइन गई थी. मेजी श्राइन एक जापान में कोर श्राइन है. I love that shrine, like so positive shrine. वहाँ पे Meiji restoration, अच्छा I'll talk about little about Meiji restoration. पहले जापान काफी एक बंद कंट्री होता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ पर Meiji restoration हुआ. लाइक Meiji नाम के एक पर्सन थे और उन्होंने बोला कि जापान को अब चेंज करेंगे. लाइक 1850s या 60s की बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द परफेक्ट डेट. तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक कमीशन बिठाई और बोला कि तुम अलग अलग कंट्री में जाओ, यूरोप की, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, इधर उधर जाओ और देख के आओ कि वहाँ पे कौन से लोग किस में अच्छे हैं. तो अगर कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ, कहीं से आर्मी कैसे बनानी है ऐसा सीख के आओ. तो वो लोग वापस आए, उन्होंने सब कुछ इम्प्लीमेंट किया. लाइक ऐसे बोलते हैं कि एब्जॉर्ब एंड अडाप्ट किया, वहाँ से सब कुछ सीखा, हर कंट्री का जो अच्छा अच्छा चीज़ था और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जापान पे. और कुछ ही सालों के बाद जापान काफ़ी डेवलप हो गया. इतना डेवलप हो गया कि लाइक बाद में उन्होंने रशिया से वॉर की और जीत गया, और उसने मतलब कोरिया से वॉर की और जीत गया, चाइना से वॉर की और जीत गया. तो फिर एंड में इतना पावरफुल हो गया कि उसको लगा कि मैं US में पर्ल हार्बर अटैक करूंगा और जीत जाऊंगा. तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट हाँ, तो ये जो रिफॉर्म्स हुए इतने सारे एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड में, मतलब लेट 19th सेंचुरी के बीच में जो ये रिफॉर्म हुए, इसको बोलते हैं मेजी रिस्टोरेशन. और जो वो जो मेजी जो पर्सन है उनकी श्राइन है जापान में टोक्यो के अंदर, तो वही उसी उसी की बात करती. दैट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. लाइक यू विल गो देयर एंड यू फील लाइक वाओ कि कितने अच्छे जगह पे हम मैं आई हूँ. उसी तरह से वो जो यासुकुनी श्राइन मैंने बताया, उसकी काफ़ी डार्क एनर्जीज लगती थी मुझे. कि जब मैं गई तो लाइक यू कुड फील इट कि हाँ कुछ
यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है. तो आई एम वेरी लाइक वाइब ओरिएंटेड पर्सन, तो मुझे, मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ अपनी स्ट्रांग वाइब्स पे कि मुझे कैसा फील हो रहा है कहीं पे. हाँ तो ओके ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस वन. चाइना, चाइना. हाँ तो ये ना, मतलब कि जो राइटर हैं ये नई नई चाइना में जाती हैं और इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक पेज की लाइन पढ़ के सुनाऊंगी. तो फिर ये लोग इंग्लिश सिखाने के लिए जाती हैं और वहाँ पे बच्चों से उनका नाम पूछती हैं. तो क्या हुआ था कि 1990s और 2000s में चाइना के अंदर ऐसा बूम आया था कि लोगों को इंग्लिश सीखने का शौक हुआ. तो जनरली चाइना में लोगों के जो नाम होते हैं वो चाइनीज होते हैं, एकदम जैसे चाइनीज. अब क्या सोच रहे हो, बस मैं वही उसी की बात कर रही हूँ. तो हाँ, तो वैसे वाले नाम होते हैं जो हम बोल नहीं सकते. तो लेकिन उनका, उनको शौक हुआ कि हम एक इंग्लिश नाम रखेंगे. तो सब लोग, पर उनको इंग्लिश आती नहीं थी तो वो रैंडमली नाम चूज करने लगे. तो ये उसी का एग्जाम्पल देते बोलती हैं. ऑन दैट फर्स्ट डे आई वॉज टेकन अबैक व्हेन अ क्लास फुल ऑफ वेरी चाइनीज स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड बिगन इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स एज बायरन एंड मोंटगोमरी. कि लोगों ने अपना नाम रखा था बायरन और मोंटगोमरी. अदर्स वर कॉल्ड आइस एंड एको. A dimple-cheeked girl introduced herself as an apple, as in an apple. कि एक लड़की ने अपना नाम रखा an apple, like ना सिर्फ apple but an apple. मतलब बस वो ऐसा, वो writer बताना चाह रही है कि कितने मासूम से हैं वो लोग, कि उन्होंने बस सुन लिया कि बस कुछ भी इंग्लिश में आप बस अपना नाम कुछ भी रखना है तो वो कुछ भी नाम रख रहे हैं. तो ऐसे इसी कोई कंफर्म करते हुए मैंने मेरे चाइनीज कॉलीग हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था. तो वो, उन्होंने हंसते हुए बोला कि उनका खुद का नाम अभी अच्छा नाम है, लाइक एक जैसे एल्बर्ट मार्टिन टाइप का नाम है. तो लेकिन जब मैंने कहा तो आपका, आपने तो बहुत अच्छा नाम चूज किया, पर मैंने तो सुना है कि लोग बहुत फनी नाम चूज करते हैं. जैसे मेरे और कॉलीग्स हैं उनका नाम है स्माइल या रिवर. तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा भी एक फनी नाम होता था, मेरा पहले नाम फिनोमेना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिक्शनरी में वो वर्ड देखा था और उन्हें बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने अपना नाम वो रख लिया. तो सब लोग उन्हें उसी नाम से बुलाते थे. जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि ये एक फनी नाम है और उसको बदलना चाहिए. तो इसी में आगे बढ़ते हुए बोलती है कि वन ऑफ माई फेवरेट नेम चॉइसिस वॉज बेटर, अ डेलिकेट ब्लेंड आई थॉट ऑफ एरोगेंस एंड ह्यूमिलिटी. कि किसी का नाम था बेटर. Better was in fact an affable chap and at 22 a couple of years older than the others. As a student he was indeed better than average but far from the best, making his choice of name most apt. This is one of the things ki jo main pad rahi thi to main kafi hans rahi thi ki haan, I could relate to it ki kaise mere dost ke sath bhi yahi hua jab unhone explain kiya. Lekin haan, China ke log ke naam kafi funny hote hain, bataya ki aur ye log aisa karte hain ki apna English name rakhte hain lekin apni jo surname hai wo still Chinese rakhte hain. Jaise for example unka naam Martin hai to Martin ke sath wo apna Chinese surname hi lagate hain end mein. To that's how it works. और लड़कियों के भी नाम वहाँ पे काफी फनी होते हैं. लाइक मेरी पांच ट्रेनर्स थी, पांचों फीमेल्स थी, उनका नाम था मैंग मैंग टिंग टिंग जिंग जिंग जिनलिन और जिंग जिंग. तो जब उन्होंने पहली बार मुझे अपने नाम बताए तो अब इतना कंफ्यूज हो गई मैं, लाइक व्हाट आर दीज योर नेम्स. लाइक मैं जिंग जिंग जिनलिन और जिनलिन को कैसे सेपरेट करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. और सब लोग दिखते भी काफी सेम थे तो, और नाम भी इतने से. फिर उन्होंने अपने इंग्लिश नाम बताए कि जिंग जिंग बोली कि मुझे तुम जैकलिन बुलाओ, तो जिनलिन बोली कि मुझे तुम लाइक उन्होंने सोफी बुलाओ. तो सबका अपना अपना नाम था तो जिससे हमें काफ़ी हेल्प हो गई उनको, उनके शक्लें और नाम याद रखने में. बट या दैट वॉज वन ऑफ माई एक्सपीरियंसिस ऑफ द नेम्स ऑफ चाइनीज पीपल. बट दे आर रियली नाइस पीपल. लाइक अभी हमारा, मतलब मेरी जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैंने एक थैंक यू के लिए मैंने एक लेटर लिखा अपनी ट्रेनर को, जो मेरी सबसे क्लोजेस्ट ट्रेनर थी. तो चाइना में, तो हमारे ऑफिस से कोई जना चाइना जा रहा था तो मैंने बोला कि आप ये लेटर उन्हें भिजवा दीजिएगा. लाइक एक पोस्ट कार्ड में मैंने लिख के भेजा और एक गिफ्ट भी दिया उनको. मैंने कहा आप उनको दे देना. तो वापस में जब वो आए तो वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे एक पैंडा भेजा, लाइक पेन स्टैंड वाला एक पैंडा, लाइक गिफ्ट भेजा उन्होंने मुझे. एक और लेटर भेजा खुद लिखकर और की चेन भेजा और बहुत सारा थैंक यू मैसेज भेजा. लाइक बट मतलब हाँ, तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि दे आर वेरी नाइस पीपल. ऐसा ही मेरा हर कंट्री के साथ एक्सपीरियंस है. आई शेयर अबाउट यू विद माई एक्सपीरियंस ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, अफगानिस्तान ऑल्सो और एंड सो मैनी कंट्रीज आई हैव मेट. लाइक या सो इट्स मोस्टली अबाउट जो पॉलिटिक्स कंट्रीज में चलती हैं, जिससे हमें लगता है कि
कि वो लोग पता नहीं कैसे होंगे या हमारे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं, लेकिन रियली में जब हम उनसे मिलते हैं तो दे आर ह्यूमंस एंड दे आर वेरी नाइस ह्यूमंस. इफ यू आर नाइस टू देम, दे आर लाइक वेरी नाइस टू यू टू. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. बाय बाय.